नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल न्यू कृति बुटीक में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं परफेक्ट चार्ट के तरीके से किस तरीके से हम कटिंग कर सकते हैं। जो हमने यहाँ पे चार्ट तैयार किया है उसमें आप डीप नेक, नॉर्मल नेक और हाई नेक के अकॉर्डिंग कितना कितना हमें आर्मोल कटिंग करना होता है, कितना हमें शोल्डर रखना होता है, एक एक पॉइंट के बारे में मैंने यहाँ पे समझाया हुआ है। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे जानकारी दे देता हूँ। देखिए, जैसे आप येलो चार्ट देख रहे हो, ये हमारा बॉटनेक के हिसाब से है। साइज हमारा यहाँ पे यहाँ 40 प्लस चलेगा, 40 से हमने 50 तक आपको, 40 से 48 तक आपको सभी आर्मोल और शोल्डर के बारे में समझाना है आज। और यहाँ पे दूसरा चार्ट है हमारा, ये डीप नेक के अकॉर्डिंग है, ये डीप नेक के अकॉर्डिंग है। और यहाँ पे ये कॉलर जो नेक होता है उसके अकॉर्डिंग हमारा तीसरा चार्ट है। तो मैंने तीन तीन चार चार यहाँ पे इस तरीके से चार्ट का परफेक्ट नाप लेके एक चार्ट बनाया हुआ है अलग से। तो यहाँ पे हर तरीके की कटिंग आपको सीखने को मिलेगी सिर्फ चार्ट के माध्यम से। अगर आप यहाँ पे, मैं आपको चार्ट दिखा देता हूँ, इस चार्ट के माध्यम से यहाँ पे अगर आप कटिंग करते हो, इसमें आपको शोल्डर का कितना रखना होता है, आर्मोल कितना रखना होता है और किस नेक लाइन के अकॉर्डिंग कितना रखना होता है, एक एक पॉइंट मैंने समझाने की कोशिश की है। तो आइए देरी ना करते हुए सबसे पहले चार्ट के बारे में सीख लेते हैं कि कितना हमें आर्मोल कटिंग करना होता है। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो हमने चार्ट तैयार किया है, ये परफेक्ट नाप के अकॉर्डिंग कितना हमें कौन सी चीज रखनी होती है, सब कुछ एक एक जानकारी मैं यहाँ पे आपको देने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, जो हमारी ये वाली लाइन होगी ये हमारी ब्रेस्ट पॉइंट वाली होगी। जैसे हमारा साइज होता है 42 42 42 42, मतलब चार साइज यहाँ पे, गले के चारों साइज अलग अलग होंगे, लेकिन हमने फ्रंट, अगर जैसे जो हमारी छाती होती है 42 इंच होती है, उसके अकॉर्डिंग हमें कितना यहाँ पे रखना होता है, ये आज हमें समझने की जरूरत है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे ये हमारा ब्रेस्ट पॉइंट है, ये हमारा फ्रंट की नेक लाइन होती है, जो गला होता है। जैसे हमारा यहाँ पे ये 4 इंच है फ्रंट का और बैक का 4 इंच है, तो ये हमारा बोट नेक में आएगा, क्योंकि हमने ब्रॉड लेंथ यहाँ पे लिखी हुई है, ब्रॉड लेंथ 9 1/2। तो शोल्डर जो होगा हमारा, शोल्डर फिक्स होता है, शोल्डर आपका कभी भी कम ज़्यादा नहीं होगा। तो जो हमारा यहाँ पे 42 इंच छाती के अकॉर्डिंग शोल्डर निकल करके आता है, वो 14 इंच आता है, 14 इंच, ये हमारा बिल्कुल फिक्स होता है। इसी में हम माइनस प्लस करते हैं, तो ये पूरे चार्ट में आपको समझ आ जाएगा किस नेक लाइन पे हमें कम करना होता है और किस नेक लाइन पे हमें बढ़ाना होता है। और लास्ट में हमारा आएगा आर्मोल, ये आर्मोल वाली लाइन होगी। कहने का मतलब है 42 जैसे छाती है, फ्रंट नेक हमारा 4 है, बैक नेक 4 है और बोट नेक हमें बनाना है 9.5 इंच, तो 13 हमारा यहाँ पे 14 ये फिक्स आएगा, इसमें हम प्लस करेंगे 1 इंच, तो हमारा 15 आ जाएगा। जब हम आर्मोल कटिंग करेंगे, आर्मोल हमें यहाँ पे 7.25 इंच कटिंग करना है, ये ध्यान रखना होता है। तो पूरा का पूरा साइज हमें इसी चीज में यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसका आप स्नैपशॉट ले लें, एक एक पॉइंट को समझ ले, अपने पास लिख लें, कभी भी ये वीडियो आप देख सकते हो जब भी आप इस साइज की कटिंग करते हो। देखिए, ये तो आ गया हमारा बोटनेक, फिर आ जाता है हमारा छाती का नाप, हमारा 42 इंच रहेगा और ये शरीर का नाप है जो हम इंच टेप डाल के लेते हैं। फ्रंट गला जो है हमारा यहाँ पे, ये है जो फ्रंट गला है वो है हमारा 7.5 इंच और बैक गला है यहाँ पे हमारा, ये वाला जो गला है ये होगा हमारा 2.5 इंच। तो छोटे गले में हमें क्या करना होता है, क्या चेंजिंग करनी होती है, तो यहाँ पे ध्यान देना है, जो हमारा ब्रॉड लेंथ होगी वो तो हमारी 6 इंच आएगी, यहाँ पे जो तीरा होगा हमारा 14 इंच है जैसे, तो 14 इंच में हमें 2 इंच प्लस करना होगा, जितना भी आपका तीरा होता है उसमें आपको 2 इंच प्लस करना होगा। जैसे 14 है, 2 इंच प्लस करके हमारा 16 यहाँ पे बनता है, तो 16 इंच आपने यहाँ पे जो ये शोल्डर है कटिंग करना है, मतलब 8 इंच आपने कटिंग करना है, ये आपको ध्यान रखना है ताकि हमारा 16 इंच बिल्कुल परफेक्ट आए। और ये इसमें कोई आपको मार्जिन वगैरह नहीं देना है, ये बिल्कुल आपका फिक्स आएगा, बिल्कुल टेंशन फ्री होके आपने 16 पे कटिंग करना होता है, मतलब 8 इंच पे निशान लगाना है और कटिंग कर लेना है। इसके बाद आ जाएगा हमारा यहाँ पे आर्मोल, आर्मोल में हमें यहाँ पे क्या करना होगा, ये हमें 8.25 इंच रखना है, ये फिक्स हमारा नाप होगा, क्योंकि मैंने एक नहीं पता नहीं कितने पीसेस बनाने के बाद ये एक चार्ट बनाया है और एक एक पॉइंट को इसको आपके लिए लेकर के आया हूँ। अब हमारी दो चीजें कंप्लीट हो जाती हैं, दो नेक हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। तीसरा नेक हमारा 42 इंच छाती रहेगी और कोलर नेक होगा, यहाँ पे मैंने कोलर लिख दिया है और दूसरे पॉइंट में भी कोलर लिख दिया है, यहाँ पे कोलर कोलर, लेकिन जो ब्रॉड लेंथ है ये देखिए, ये ब्रॉड वाला है, ब्रॉड हम यहाँ पे रखेंगे 6 इंच,
ये ध्यान रखना है, आप उसको कम ज्यादा कर सकते हो लेकिन 6 इंच बिल्कुल परफेक्ट होता है। तो उसके बाद जो तीरा है हमारा, जो शोल्डर है, वो तो हमारा बिल्कुल 14 बिल्कुल फिक्स है, उसमें भी हम 2 इंच प्लस करेंगे और 16 पर यहाँ पे कटिंग करेंगे, ये ध्यान रखना है। तो जो हमारा छोटा नेक होता है 1.5-2 इंच का, तो उसमें और कॉलर में हमारी सेम ही कटिंग रहती है, उसमें आपको कोई चेंजिंग नहीं करनी है। और आर्मोल यहाँ पे 1.25 इंच हम कटिंग करेंगे, ये आर्मोल वाला है तो यहाँ पे ये लाइन आर्मोल की होगी, तो 1.25 इंच हमारा आर्मोल हो जाएगा। अब तीसरा जो नाप होगा हमारा, ये भी 42 इंच, मतलब चौथा जो है ये भी 42 इंच है, तो इसमें क्या चेंजिंग है, यहाँ पे भी नेक लाइन में चेंज है। तो फ्रंट नेक हमारा 7.5 है, बैक नेक अगर हमारा 10 इंच हो जाता है, यहाँ पे 10 इंच यहाँ पे बैक गला है तो 10 इंच है। ब्रॉड लेंथ रखेंगे हम 6 इंच, आप वो पहनने वाले के ऊपर डिपेंड करता है, आप इसको बढ़ा सकते हो लेकिन 6 इंच यहाँ पे परफेक्ट रहेगा, क्योंकि गला जो है फैल जाता है। तो तीरा जो है हमारा यहाँ पे 14 है, तीरा तो हमारा बिल्कुल तैयार है जो हमने नाप लिया था। तो उसमें हमें क्या करना होगा, डीप नेक के अकॉर्डिंग, अगर आपका यहाँ पे गला डीप है 10 इंच है, तो यहाँ से आप चलेंगे यहाँ पे इस तरीके से, जो हमारा ये 14 इंच तीरा होता है, इसमें से -2 इंच कर लेंगे, 14 में से 2 इंच माइनस करेंगे, 12 इंच हमें यहाँ पे कटिंग करना होगा। तो जब हम तीरा कटिंग करते हैं तो आर्मोल का जो साइज होता है हमेशा बढ़ जाता है, तो उसे छोटा करने के लिए हमें यहाँ पे 7.25 इंच यहाँ पे आर्मोल कटिंग करना होगा, तब हमारा परफेक्ट नाप आएगा। देखिए ये मैंने तीनों चीज अलग अलग गला, बैक नेक जैसे 10 इंच है या कॉलर वाला है, 2.5 इंच है या 4 इंच है, तो सभी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे पूरा समझा दिया है 42 के हिसाब से। अब आ जाते हैं हम 44 के हिसाब से, 44 के हिसाब से। 44 हमारा छाती का नाप है, ब्रेस्ट नाप जो होगा 44 होगा, जो कि हम शरीर का लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, फ्रंट नेक है हमारा, पहला वाला समझ लेते हैं पहले, फ्रंट नेक है 7.5 इंच 7.5, और बैक नेक है हमारा 2 इंच, सिर्फ 2 इंच का है, जो छोटे पहनते हैं, तो उनके लिए भी मैंने यहाँ पे ये ध्यान रखा है कि एक एक पॉइंट में आपको समझा पाऊँ। इस पॉइंट पे आपको क्या करना होगा, जो ब्रॉड लेंथ है थोड़ी सी आपको बड़ी कर देनी है, मतलब 1.25 इंच तक आप गले की ब्रॉड लेंथ रखोगे, ये हमारा गले वाला लाइन है पिंक वाला। और उसके बाद जो शोल्डर है हमारा यहाँ पे 14.5 इंच आता है जब हम नाप लेते हैं शरीर का, तो इसमें हमें 2 इंच प्लस करना होता है, तो 2 इंच प्लस करेंगे तो हमारा 16.5 हो जाएगा यहाँ पे ये शोल्डर, तो हमें 8.25 इंच यहाँ पे कटिंग करना है, ये ध्यान रखें, जो शोल्डर की जो ऊपर के हिस्सा होता है 8.25 इंच पे हम निशान लगाएंगे और कटिंग कर लेंगे। अब उसके बाद हम सोचेंगे कि यहाँ पे आर्मोल हमें कितना लेना है, तो इन्हीं चीजों में हम कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन ये चार्ट जो है आपका एक परफेक्ट चार्ट है, तो आपने यहाँ पे ये ध्यान देना है सिंपल सा, 7.25 इंच हमें यहाँ पे आर्मोल कटिंग करना है, जो आर्मोल का निशान लगाना है वो 7.25 इंच भी लगाना है। तो ये हो जाता है हमारा बैक गला, अगर 2 इंच हो, 2 इंच होता है, तो हम किस तरीके से कटिंग करें। फिर इसके बाद सेम साइज रहेगा हमारा 44, गले का फ्रंट का सेम साइज रहेगा, लेकिन बैक साइड का यहाँ पे हमारा 9.5, जो 9.5 इंच अगर गला हम पहनते हैं तो हमें क्या चेंज करना होगा, ब्रॉड लेंथ वही रख लेंगे, 1.25 इंच ब्रॉड लेंथ रहेगी, लेकिन इसमें क्या होगा, हमें तीरे में क्या चेंज करना है, तो तीरा जैसे हमारा 14.5 इंच है, 14.5 इंच है, इसमें हम 2 इंच माइनस करते हैं, अगर हमारा गला यहाँ पे इस तरीके से देखेंगे ये 9.5 इंच होता है, तो हम 2 इंच माइनस करते हैं, और 2 इंच माइनस करने के बाद हमारा 12.5 यहाँ पे जो ये आएगा शोल्डर तैयार आएगा, मतलब हमें यहाँ पे जो कटिंग करना है ये मैं आपको लिख देता हूँ, 1.25 इंच पे निशान लगाना है और उसी पे आपको कटिंग कर लेना है, कोई एक्स्ट्रा मार्जिन बिल्कुल भी नहीं लेना है। जैसे कई लोग कहते हैं कि सिलाई का मार्जिन चाहिए, ऐसा नहीं है, ये आपको बिल्कुल फिक्स रखना है, 1.25 पे निशान लगाना है। इसके बाद हमारा ये आर्मोल आ जाता है जो रेड लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये हमारा 7 इंच आएगा, 7 इंच आप फिक्स यहाँ पे कटिंग करोगे तो परफेक्ट नाप आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आ जाते हैं सेम साइज रहेगा 44, और फ्रंट नेक रहेगा हमारा 7.5, वो भी सेम रहेगा, लेकिन बैक नेक अगर हमारा 5 इंच हो जाता है, 5 इंच हो जाता है, तो हमें क्या चेंज करना होगा। तो देखिए बैक नेक हमारा 5 इंच हो जाएगा, तो 6 इंच रखेंगे ब्रॉड लेंथ, कोई चेंज नहीं करना है, लेकिन सिर्फ मेन चीज आ जाती है हमें तीरे में और आर्मोल में। तो तीरे में हमने यहाँ पे क्या चेंज किया है, तो तीरे में आप यहाँ पे देख रहे होंगे 14.5 इंच है, तो 14.5 इंच हमने तैयार लिख दिया है। वो क्यों, अगर आपका गला 5 इंच होता है यहाँ पे, अगर बैक गला कोई भी किसी भी साइज का 5 इंच अगर गला होता है, जो आपका शोल्डर तैयार आता है, तो आपने बिल्कुल तैयार रखना है यहाँ पे। तो
तो ये हमारा 14.5 ही कटिंग करेंगे, मतलब 7.25 इंच ही हम यहाँ पे रखेंगे। ना इसमें माइनस करना है ना ही प्लस करना है, अगर आपका गला 5 इंच हो। सपोज करो आपका यहाँ पे 42 का साइज भी यहाँ पे बैक गले का 5 इंच होता है, तो आपने 14 ही कटिंग करना है, उसमें माइनस या प्लस कुछ भी नहीं करना है। 5 इंच, 4.5, 5.5 इंच गले ऐसे होते हैं, इनमें शोल्डर कभी भी कम नहीं किया जाता है। तो 44 के हिसाब से यहाँ पे जो हमारा आर्मोल निकल करके आता है वो आता है 7.5 इंच। ये बिल्कुल फिक्स है, कोई टेंशन नहीं लेने का है। अब सेम, अब ये मैंने यहाँ पे तो दोस्तों 44 साइज के मैंने तीनों यहाँ पे ये कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हमने 2 इंच के हिसाब से आपको बताया है बैक गला, अगर 2 इंच है ये गले का नाप है, और बैक गला 9.5 इंच है, डीप नेक जो होता है और नॉर्मल नेक होता है 5 इंच। तो ये मैंने कंप्लीट कर लिया है यहाँ पे 44 के हिसाब से। अब आ जाते हैं हम 46 के अकॉर्डिंग। देखिए 46 में क्या होगा, बैक जो 46 हमारा छाती का नाप होता है, उसमें फ्रंट नेक जो है 99% 8 इंच चलता है। अगर कोई छोटा पहनते हैं तो वो नाप दे देते हैं या बता देते हैं। तो इसके बाद हमारा बैक गला जो है वो डिपेंड करता है पहनने वाले के ऊपर। तो यहाँ पे पहनना है हमें 2.5 इंच बैक गला जो होगा हमारा, तो कुल 2.5 इंच हमें तैयार रखना है। और ब्रॉड लेंथ हम यहाँ पे 6.5 इंच कर देंगे, 6.5 इंच हमारी चौड़ाई होगी गले की। उसके बाद तीरा जो है हमारा यहाँ पे 14.5 रहेगा, न कम है न ज्यादा है, 14.5 है। इसमें हमें क्या चेंज करना होता है, इसमें हमें प्लस करना होगा 2 इंच। जैसे हम हाई नेक में प्लस करते हैं, तो बैक गला अगर 2 इंच या 2.5 है तो उसमें भी हमें यहाँ पे 2 इंच तक प्लस करना होगा। जैसे 14.5 है तो प्लस करने के बाद हमारा 2 इंच यहाँ पे 16.5 हो जाएगा तैयार। तो तैयार आपने कटिंग करना है, यहाँ पे ये ध्यान रखना है 8.25 इंच जो कि हमारा शोल्डर होगा। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा आर्मोल आएगा वो आएगा 8.25 इंच, जो आर्मोल कटिंग करना है 8.25 इंच कटिंग करना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, फर्स्ट क्लास आएगा। तो ये साइज हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। दूसरा साइज हमारा यहाँ पे सेम साइज रहेगा छाती का, और गले का सेम रहेगा फ्रंट के, लेकिन बैक साइड हमने 8.5 इंच अगर बनानी हो तो हमें क्या चेंज करना है, ब्रॉड लेंथ सेम रखेंगे, सिर्फ तीरे में और आर्मोल में हमें चेंज करना होगा। देखिए तीरे में क्या करना है, शोल्डर में क्या करना है, इसमें से हमें 1.5 माइनस करना है। यहाँ पे देखिए 14.5 है, 1.5 माइनस करने के बाद 13 हमारा रह जाएगा। तो 13 पे हमें 6.5 इंच यहाँ पे निशान लगाना है और कटिंग कर लेनी है। लेकिन इसमें आर्मोल में क्या चेंज करना है, आर्मोल आएगा हमारा 7 इंच, 7 इंच हम आर्मोल रखेंगे तो परफेक्ट नाप आ जाएगा। तो ये हमारा साइज हो जाएगा जो बैक गला अगर हमारा 8.5 इंच होता है। फिर इसके बाद आते हैं हम यहाँ पे सेम साइज रहेगा 46, फ्रंट सेम रहेगा 8 इंच, बैक नेक हमारा 6 इंच हो जाता है। तो 6 इंच में हमें यहाँ पे क्या करना है, देखिए 5 इंच में तो हम बिल्कुल फिक्स कटिंग करते हैं, लेकिन 6 इंच में हमें क्या करना होगा, तो ब्रॉड लेंथ सेम रखेंगे और 14.5 हमारा यहाँ पे है शोल्डर, इसमें से सिर्फ हमने 0.5 इंच कम करना है। अगर हमारा 6 इंच यहाँ पे गला होता है तो आपने 0.5 इंच यहाँ पे कम करना होगा, ये ध्यान रखना है। इन चीजों का ही मेन पॉइंट होता है कटिंग करते वक्त। तो हमारा 14 इंच आएगा हमारा तैयार, यहाँ पे जो तैयार शोल्डर आएगा वो 14 आएगा, मतलब 7 इंच पे आप कटिंग करेंगे और आर्मोल रखेंगे यहाँ पे 7.25 इंच। तो ये हो जाएगा हमारा बैक गला अगर 6 इंच होता है। तो दोस्तों 46 भी हमने तीनों चीज यहाँ पे कंप्लीट कर ली है, बैक गला 6 है तो क्या करना है, और बैक गला 8.5 है तो क्या करना है, और बैक गला हमारा 2.5 इंच है तो क्या चेंज करना होता है। अब आ जाते हैं 48 साइज पे, क्योंकि मैंने बताया था आपको 42 से 48 तक मैं आपको कंप्लीट यहाँ पे चार्ट बना करके लेकर के आया हूँ। तो 48 में फ्रंट नेक हमारा 7.5 है, 8 है, कोई दिक्कत नहीं है, वो उतना ही आप यहाँ पे नोट कर ले, कोई इश्यू नहीं रहेगा, चाहे 8.5 भी हो तो 8.5 लिख ले। लेकिन अगर हमारा बैक गला 5 इंच होता है, जैसे 5 इंच यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 5 इंच में हमें यहाँ पे ब्रॉड लेंथ 6.5 रखेंगे, लेकिन तीरे में ना कम करना है ना ज्यादा। जैसे मैं हर बार बोलता हूँ, जो भी आपका साइज है उसे फिक्स रखें, ना कम करें ना ज्यादा करें, अगर आपका 5 इंच गला होता है। तो यहाँ पे तीरा ये हमारा 14.5 इंच है, तो हमने 14.5 इंच ही कटिंग करना होगा, मतलब 7.5 इंच यहाँ पे रखेंगे तैयार। और उसके बाद जो हम आर्मोल कटिंग करेंगे वो करेंगे 7.5 इंच। तो ये देखिए कंप्लीट नाप हो जाएगा हमारा 5 इंच के अकॉर्डिंग। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे कॉलर वाले के हिसाब से। छाती हमारी जो ब्रेस्ट नाप है हमारा 48 है, कॉलर बनेगा, यहाँ पे भी मैंने कॉलर लिख दिया, यहाँ पे भी कॉलर लिख दिया है,
और ब्रॉड लेंथ रखेंगे हम, चौड़ाई रखेंगे 6.5 इंच। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, 6.5 इंच हमने ब्रॉड रखा है। और यहाँ पे कॉलर वाले में हमें क्या चेंज करनी होती है, यहाँ पे ध्यान रखें 48 साइज में। तो शोल्डर जो है हमारे यहाँ पे 14.5 आ रहे हैं, जो हम बॉडी का नाप लेते हैं, तो उसमें हमें प्लस करना होगा यहाँ पे, ये देखिए 2.25 इंच। 2.25 इंच जब हम प्लस करेंगे यहाँ पे, तो ये आपका 17.5 इंच आ जाएगा। यहाँ पे जो शोल्डर होगा 17.5 इंच आपने कटिंग करना है, ये ध्यान रखना है, 17.5 यहाँ पे शोल्डर आपको कटिंग करना होगा। अगर हम कॉलर नेक बनाते हैं, कोई भी हाई नेक कुर्ती बनाते हैं 44 साइज की, तो आपने यहाँ पे 2.25 इंच प्लस करके 17.5 इंच हमारा यहाँ पे तैयार आएगा। और आर्मोल जो कटिंग करना है वो आपने 8.5 इंच कटिंग करना है। तो ये हो जाता है हमारा कॉलर के हिसाब से चार्ट का तरीका, ये बिल्कुल परफेक्ट तरीका है। इसके बाद हमारा जैसे साइज हमारा 48 रहेगा, और फ्रंट अगर हमारा 8 इंच है, और बैक नेक हम 9.5 इंच या 10 इंच भी डालते हैं, तो हमें 6 इंच रखना है ब्रॉड चौड़ाई गले की, ये ब्रॉड लेंथ रखनी है। और इसमें हम जो भी हमारा, तो फिर एक बार मैं दोबारा से यहाँ पे आपको समझाना चाहूँगा, जैसे कि 48 हमारा है ब्रेस्ट पॉइंट, जो हम छाती का नाप लेते हैं, तो हमारा यहाँ पे 48 आ रहा है। फ्रंट नेक रखेंगे हम 8 इंच, बैक नेक अगर हमारा डीप हो 9.5 इंच तक, तो ब्रॉड लेंथ हम 6 इंच रखेंगे। लेकिन जो तीरा है उसमें क्या चेंज करना होगा, उसमें हमें करना होगा माइनस। जब भी आपका गला डीप होता है तो आपको माइनस करना होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और जब भी आपका यहाँ पे गला जो है कॉलर वाला या छोटा होता है, तो आपको प्लस करना होता है, ये इस पॉइंट का, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो 14.5 में से 2 इंच माइनस करेंगे, तो हमारा आ जाएगा 12.5 और आर्मोल रखेंगे 7 इंच। तो ये देखिए पूरा का पूरा चार्ट मैंने किस तरीके से यहाँ पे रेडी करके आपको दिखाया है, एक एक पॉइंट। इसका पूरा का आप स्नैपशॉट ले लें, एक पूरा का पूरा चार्ट यहाँ पे आना चाहिए। और जो भी आपको कटिंग करनी है, तो इस चार्ट के माध्यम से जब भी आप कटिंग करोगे, तो आपकी परफेक्ट कटिंग आएगी, कोई भी इश्यू नहीं रहेगा। एक एक पॉइंट मैंने बारीकी से यहाँ पे आपको समझाया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।